हे गाइस, वेलकम बैक टू इंस्टा बायोलॉजी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो हम भी कर रहे थे, है ना। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, तो हमने माइटोसिस खत्म करा था, है ना। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि वो इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा ही थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और हम आज क्या कवर करेंगे, हम आज कवर करेंगे मियोसिस। तो हम देखेंगे एग्जैक्टली मियोसिस क्या होता है, ठीक है। तो गाइज, इससे पहले मियोसिस शुरू करूं, आई होप आप पुराने सारे वीडियोस देख रहे हैं, आप अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और हाँ, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जल्दी से, है ना, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आपकी पढ़ाई में, तो आप मुझे बताइएगा जरूर। आप मुझे आपके रिक्वायरमेंट जरूर बताइएगा, है ना। आप मेरे वीडियोस देखने के बाद अगर चाहते हैं कि मैं इसको और इम्प्रूव करूँ आपके हिसाब से, वो जरूर बताइएगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं इन वीडियोस के, ठीक है। तो मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी, ठीक है। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस, देखते हैं एग्जैक्टली फिर मियोसिस कैसा डिवीजन है ना। तो माइटोसिस तो हमने देख लिया था कैसा डिवीजन है ना, हमने ये देख लिया था कि माइटोसिस में क्या होता है। तो अब गाइज, आप मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो जब भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो क्या होता है कि दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है ना। तो बेसिकली दोनों जो गैमेट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। ये जो गैमेट्स होते हैं ना गाइस, ये जो हैप्लॉइड सेट ऑफ गैमेट्स होते हैं ना, ये डिप्लॉइड सेल से ही बने होते हैं, है ना। ये डिप्लॉइड सेल से ही हैप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और ये डिविजन के थ्रू कन्वर्ट होते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो डिप्लॉइड सेल्स का डिविजन होता है, वो क्या करता है कि वो क्रोमोजोम नंबर को हाफ में रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देता है, ठीक है। तो इस टाइप के डिवीजन को ही हम कहते हैं मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो बेसिकली आपका मियोसिस क्या बोला जाता है, आपका मियोसिस बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। अब इसी पे आप मुझे बस फटाफट से कमेंट करके ये बता दीजिए कि माइटोसिस को क्या बोला जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो फटाफट से वीडियो देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इस वीडियो के कि माइटोसिस को क्या बोला जाता है, ठीक है। आपको उससे एक डिफरेंस पता चल जाएगा माइटोसिस और मियोसिस में, ठीक है। तो बेसिकली गाइस, मियोसिस क्या कर रहा है, मियोसिस हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, बना रहा है डिवाइड करके, ठीक है। तो बेसिकली मियोसिस क्या इंश्योर करता है, हैप्लॉइड जो आपके सेल्स हैं उसका प्रोडक्शन, ठीक है। किनके लिए, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और फिर ये, बट जब भी आप कोई ऑफस्प्रिंग जो आता है उसके में, तो फिर डिप्लॉइड सेल्स ही होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो डिप्लॉइड सेल्स हैं पहले, वो डिवाइड हो जाते हैं, वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स में, ठीक है। और फिर ये हैप्लॉइड सेल्स ही फर्टिलाइजेशन के थ्रू मिलके डिप्लॉइड सेल बना देते हैं, जो कि आपका होता है जाइगोट, और फिर ये डेवलप हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो आपके हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। तो मियोसिस जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली हैप्लॉइड फेज में जा रहा है और फिर फर्टिलाइजेशन वापस से डिप्लॉइड फेज रिस्टोर कर दे रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले की फीचर्स क्या है मियोसिस के। पहला की फीचर जो है मियोसिस का, वो ये बोलता है कि मियोसिस में दो सीक्वेंशियल साइकिल चलती हैं, ठीक है। तो आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल है और जो सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये दो साइकिल में डिवाइड करता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू, ठीक है। लेकिन आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो एक ही बार हो रहा है, वो याद रखिएगा। जो आपका एस फेज है इंटरफेज का, वो एक ही बार हो रहा है ना। तो एस के बाद जी टू फेज, जी टू फेज के बाद अगर मियोसिस कोई ऐसा सेल है जिसको कि मियोसिस मियोटिक डिवीजन में जाना है, तो वो क्या होता है, मियोसिस वन करता है, फिर मियोसिस टू करता है और हैप्लॉइड सेल्स बना लेता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया ये, ठीक है। अब आपका जो मियोसिस वन है वो इनिशिएट
होता है आपका पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट होने के बाद। तो जैसे मैंने बोला कि सिंथेसिस फेज जो था हमारा, एस फेज था, जी टू फेज था, वो होगा, उसके बाद मियोसिस वन शुरू होगा, ठीक है, फिर मियोसिस टू पे आएगा, है ना। तो मियोसिस आपका कर क्या रहा है, एक और चीज कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करता है और उनका रिकॉम्बिनेशन करता है। मतलब कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, वो मियोसिस वन के टाइम पे पेयर होकर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में क्या एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्वॉल्व है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, ठीक है। और आपका लास्ट जो आपका की पॉइंट वो ये हो जाएगा कि मियोसिस पूरा होने के बाद, मतलब मियोसिस टू पूरा होने के बाद, चार हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है, चार हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिकली मियोटिक इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक। अब मियोटिक इवेंट्स जो उनको ग्रुप किया जाता है दो में, मियोसिस वन और मियोसिस टू, ठीक। अब जो आपका मियोसिस वन है उसमें वापस से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये वैसे ही है जैसे माइटोसिस में होता है ना। लेकिन मियोसिस वन में क्या होगा, हम बेसिकली मियोसिस वन मियोसिस टू को ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि अगर वन लगा हुआ है प्रोफेज, अगर मियोसिस के स्टेजेस के आगे वन लगा हुआ है तो वो फर्स्ट मियोसिस का पार्ट है, अगर मियोसिस के स्टेज अगर जो मियोसिस के स्टेजेस उसके आगे टू लगा हुआ है तो वो मियोसिस टू के पार्ट है। तो प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एटाफेज वन, टीलोफेज वन, ये मियोसिस वन के पार्ट हो गए। प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, ये मियोसिस टू के पार्ट हो गए, ठीक है। अब एक एक करके हम सब देखते हैं। सबसे पहले शुरू होता है मियोसिस वन, ठीक है। गाइस अगर आप मियोसिस वन की बात करेंगे तो वापस से वैसे ही चलेगा, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोफेज वन में क्या होता है। प्रोफेज वन अगर आप गाइस कंपेयर करेंगे माइटोसिस से, तो आप देखेंगे कि प्रोफेज वन जो है, मियोसिस का जो वन प्रोफेज है, वो जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा लंबा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली आपका प्रोफेज वन है वो अगेन पांच अलग फेजेस में डिवाइडेड है। क्या है वो फेज, मैंने कहा पांच फेजेस में गाइस प्रोफेज वन वापस से डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला है आपका लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है डिप्लोटीन, सॉरी पैकीटीन, चौथा है डिप्लोटीन और पांचवा है डायकाइनेसिस, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होता है। तो गाइस लेप्टोटीन के टाइम पे क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम्स है ना वो दिखने शुरू होते हैं। तो बेसिकली आपका जो क्रोमोसोम्स है वो कॉम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो थ्रू आउट लेप्टोटीन आपके क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद वो जाते हैं जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर करना शुरू कर जाते हैं एक साथ। ऐसे इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, इस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस, इस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो पेयर हो गए क्रोमोसोम्स वो एक स्ट्रक्चर बना रहे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, उसको हम बाइवेलेंट और टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब जो है ये नेक्स्ट स्टेज में बहुत क्लियरली विजिबल होंगे, ठीक है। अब ये चला जाता है पैकीटीन में। पैकीटीन में क्या होता है कि जो आपके ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये टेट्राड्स जैसे दिखने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक इन इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ना एक रिकॉम्बिने एक नोड्यूल जैसा आता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं वो। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है ना आपका, वो साइट होती है जहां पर की क्रॉसओवर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रॉसओवर हो जाता है, ठीक। अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनके बीच में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ,
कि क्रोमोसोम्स ने आपस में आकर पेयरिंग करी और होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाया। फिर उन्होंने क्या करा कि एक नोड्यूल बनाकर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया। ठीक, तो एक आप सोचो कि ए और बी हैं क्रोमोसोम्स, उनका जेनेटिक मटेरियल आपस में थोड़ा सा एक पार्ट एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि ये जो आपका क्रॉसिंग हो रहा है वो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, और एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि आपका जो है लीड कर रहा है ये जो है रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल का, और ये जो है पैकेटीन एंड हो जा रहा है इतने पे। ठीक है, अब जो है क्या होता है डिप्लोटीन स्टेज में चला जाता है। डिप्लोटीन में क्या होता है वो देखते हैं, है ना। अब डिप्लोटीन में जाते ही क्या हो रहा है कि जो आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था ना, जो दो क्रोमोसोम साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है, कहीं ना कहीं आकर जो जिन्होंने पैरिंग करी थी, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, वो डिसॉल्व कर जाते हैं, वो डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब पूरा सेपरेट हो जाता है, लेकिन जो क्रॉसओवर हुआ है वो तो वो अपने साथ ले जाते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल उन्होंने एक्सचेंज करा है वो अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो एक गाइस इस टाइम पे ना एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कायज़मेटा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कायज़मेटा। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर गाइस बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में ये देखेंगे ना, तो डिप्लोटीन जो है ना वो मंथ्स और ईयर्स तक चलता रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि आपका जो सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व हो गया, और जो है सेपरेट हो गए आपके जो सिस्टर वो थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, और एक इसमें आपको पता चला कि एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, वो होता है कायज़मेटा। ठीक है, अब उसके बाद हम चले जाते हैं डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि फाइनल जो स्टेज है मियोटिक प्रोफेज वन का, इसमें क्या होगा कि आपका जो कायज़मेटा है वो भी खत्म हो गया अब इसके बाद। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स है वो पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं, और आपका जो मियोटिक स्पिंडल है वो असेंबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब क्या होना है, अब क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनको अब सेपरेट होना है। ठीक है, तो आपका डाइकाइनेसिस खत्म होते होते क्या होता है कि जो न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब फिर आप आ जाते हैं मेटाफेज वन में। अब मेटाफेज वन में आपके पास बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, जो कि इक्वेटोरियल प्लॉट पे आकर अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, और वो वैसे ही स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, तो आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है ऑपोजिट पोल्स में वो स्पिंडल बनाता है, उससे फाइबर्स निकलते हैं और ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं उनसे, और वो ये एक इक्वेटोरियल प्लेट जो है उस स्पिंडल का उस पे आकर अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो चले जाते हैं एनाफेज वन में। वहां पर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू कर देते हैं। अब ये याद रखिएगा कि माइटोसिस से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो रही थी, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो एक क्रोमोसोम के वो साथ ही में है आपका, क्योंकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो वो पेयर अलग हो रहा है, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं बस। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स तो अभी उनके साथ ही है, अभी भी वो पूरे पूरे क्रोमोसोम ही है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, है ना। इसके बाद वह एंटर करते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि वापस से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस जो है रीअपियर होता है, और आपका सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और हम बोलते क्या है कि अब आपके पास डायड्स ऑफ सेल आ गए। ठीक है, अब आपका इसके बाद शुरू होता है मियोसिस टू। तो आपका जो मियोसिस टू और मियोसिस वन के बीच का एक, ठीक है, स्टेज होता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। याद रखिएगा ये टर्म, है ना। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच का एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम टाइम का स्टेज होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका वापस से मियोसिस टू का प्रोफेज टू शुरू हो जाता है। तो उससे पहले हम वो शुरू करें, हम एक बार डायग्राम से वापस से स्टेजेस देखेंगे मियोसिस वन के। अब हमने सबसे पहले क्या देखा, प्रोफेज, और प्रोफेज में हमने क्या बोला कि जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम से वो साथ में आ गए, और वो क्या करते हैं, वो आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ गाइस आप देख रहे हैं दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, है ना, मतलब एक ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, एक ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम से है ना। तो
अब आप यहाँ देखिए, बेसिकली इसको डिनोट कैसे करा गया, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर का है। वैसे यहाँ भी एक लाइट रेड है और एक डार्क रेड है। अब आप यहाँ देखिए, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या डिफरेंस दिख रहा है? रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको? अब मैं दिखाती हूँ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है? अब आप एक बार, एक बार आप ध्यान से देखिए ये इमेज। यहाँ आपको दिखेगा कि ये जो लाइट ब्लू है ना और ये जो डार्क ब्लू है, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करा है। कैसे? यहाँ पे आपको जो दिख रहा है लाइट ब्लू वाला, उसमें एक साइड में आपको डार्क ब्लू थोड़ा सा अटैच्ड दिख रहा है, और सेम इसको रिप्लेस कर दिया है इधर लाइट ब्लू वाले ने, है ना? सेम यहाँ पर भी दिख रहा है, जो डार्क रेड है उसकी एक एंड पे थोड़ा सा लाइट रेड वाले का जेनेटिक मटेरियल अटैच हो गया है और उसको रिप्लेस कर दिया इधर डार्क रेड ने, ठीक है? और एक एंड पे लाइट रेड के डार्क रेड। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा ना, आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। अब जो है आपका शुरू होगा माइटोसिस, मियोसिस टू, है ना? मियोसिस टू क्या होता है? तो गाइस, अब अगर आपने माइटोसिस देखा है वीडियो और आपने माइटोसिस समझा है, तो आप ये ध्यान देंगे कि मियोसिस टू जो है वो माइटोसिस के जैसा होता है। तो अब जो है बेसिकली सेल को फर्दर डिवाइड करना है ना? अभी डायड है, दो सेल्स हैं, अब ये बनेंगे चार हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि हमने क्या बोला था, अल्टीमेटली रिजल्ट जो मियोसिस का क्या होता है, फोर हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है? अब प्रोफेज टू में क्या हो रहा है? प्रोफेज टू में ये हो रहा है कि आपका वापस से क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉर्मल माइटोसिस के प्रोफेज टू के जैसे काम कर रहे हैं। तो आपका जो है कंडेंसेशन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गया और क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो गए, ठीक है? कॉम्पैक्ट होके वो मेटाफेज टू में चले गए। मेटाफेज टू में उन्होंने क्या करा कि इक्वेटर पे जाकर अलाइन हो गए। वो उसमें जो है उनका सिस्टर क्रोमैटिड्स है, उस पे काइनेटोकोर है ना? सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर के सरफेस पे काइनेटोकोर है, उससे जो है स्पिंडल फाइबर जाकर अटैच हो गया, और सारे जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो एक इक्वेटर पे, स्पिंडल के इक्वेटर पे अलाइन हो गए, ठीक है? फिर वो चले गए किसमें? वो चले गए एनाफेज टू में। अब देखते हैं आगे एनाफेज टू में क्या हुआ। एनाफेज टू में क्या हुआ कि जो है अब ये क्रोमोसोम स्प्लिट होने शुरू हो गए। तो सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम स्प्लिट हुए और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनको होल्ड किया हुआ है और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं और वो पीछे से ट्रेल कर रही हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो सेंट्रोमियर से खींच रहे हैं और सिस्टर क्रोमैटिड पीछे से ट्रेल कर रही है ना? वो दोनों पोल्स पे आ गए अब एनाफेज टू में। अब आए वो लास्ट टीलोफेज टू में। टीलोफेज टू में क्या करा कि जो दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं अब वो वापस से न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंड हुए, सेल का डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ और टेट्राड ऑफ सेल्स, फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल गए, ठीक है? अब मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोफेज टू से शुरू हो रहा है, तो पहले तो वो क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, न्यूक्लियर जो आपका मेम्ब्रेन थी वो हट गई, ये अब आपको कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स मिल गए और आपका स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो गया, स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो गए। फिर ये आए मेटाफेज में और क्या हुआ, ये जो स्पिंडल का इक्वेटर है उस पे अलाइन हो गए, है ना, ये दोनों सेल्स में, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ साइमल्टेनियसली दोनों सेल में चल रहा है, ठीक है? अब फिर ये चले गए एनाफेज में। यहाँ क्या हुआ कि वो क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो पोल की तरफ चली गई, है ना? दोनों पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ सिस्टर क्रोमैटिड को खींचते ले गए, ठीक है? और फिर वो आए टीलोफेज में, जहां पर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना और सेल जो है डिवाइड कर गया और आपको क्या मिल गया, चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल गई, एक दो तीन और चार, चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल गई, है ना? तो गाइज अगर आपने अच्छे से माइटोसिस पढ़ा है, तो अब आप क्या कैसे रिलेट करेंगे? अब आप ऐसे रिलेट करेंगे कि मियोसिस की जो सेकेंड साइकिल है, जो मियोसिस टू वाली साइकिल है, वो रिजेंबल कर रही है माइटोसिस वाली साइकिल को थोड़ा, है ना? वो माइटोसिस को रिजेंबल कर रही है, बट मियोसिस वन जो है वो बहुत ही अलग है उससे, है ना?
जो है हमने अभी तक तो ये नहीं देखा था कि जेनेटिक मटेरियल का भी एक्सचेंज होता है, बट यहाँ क्यों होता है, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, ये सोमैटिक सेल्स नहीं है, है ना, ये नॉर्मल वाले सेल्स नहीं है, ये कौन से सेल्स है, बेसिकली ये हमारे जो जिससे जाइगोट बनना है, जो गैमेटिक सेल्स होते हैं वो है ना, तो मियोसिस गैमेटिक सेल्स में होता है ना। और अब आपको इसका सिग्निफिकेंस भी बता देते हैं कि मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो मियोसिस बेसिकली आप देखिए क्या कर रहा है कि जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है हर स्पीशीज का, ठीक है, उसको कंजर्व कर रहा है ना। तो पहला तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज, और ये कैसे कर रहा है, जो है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन करते जा रहा है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। गैमेट्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके लिए आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो रहा है, कंजर्व कर रहा है मियोसिस के थ्रू, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि आपका जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी लेकर आता है मियोसिस। क्यों, क्योंकि ये दो क्रोमोसोम्स के जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं इसमें, है ना। तो बेसिकली आप जितना जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाते जाएंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी ला रहा है ना। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस एवोल्यूशन का, है ना। तो ये दो मेन जो है सिग्निफिकेंस है मियोसिस की, ठीक गाइस। इसके साथ ही हमने ये चैप्टर भी खत्म कर दिया, हमने मियोसिस पूरा खत्म कर दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ये। तो अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया इस वीडियो से, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए कि वो भी समझ लें, है ना। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलते रहें। और गाइस अगर आप नहीं समझ पाए, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में अपने डाउट जरूर बताइए, सो दैट मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी डाउट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, है ना। बट जरूर इसको अच्छे से समझिए, ये वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर जाकर एनसीईआरटी वापस से पढ़िए, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।